नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिव्यू एचडी यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके सामने पेश है ऑल न्यू बजाज एवेंजर बाइक, जिसे रिसेंटली अभी बजाज ने लॉन्च किया है। इस बाइक को कई सारे बदलावों के बाद BS6 इंजन में लॉन्च किया गया है। तो बात करेंगे इस वीडियो में इस बाइक की, क्या प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में। सो आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, हम आपको सभी डिटेल्स देंगे इस वीडियो में। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आपको हेडलाइट में चेंज दिए गए हैं। जैसे पहले आप देखते थे हेडलाइट आपको राउंड शेप में मिलती थी, अब जो है थोड़ा सा हेडलाइट की शेप को चेंज कर दिया गया है। इससे पहले मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आप इस बाइक को एक प्रॉपर तरीके से देख पाएँ वॉक अराउंड रिव्यू में। और ये आप बजाज एवेंजर का फ्रंट लुक देख रहे हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। वैसे एवेंजर का मतलब होता है हिंदी में एक सैनिक या फिर एक बदला लेने वाला, ठीक उसी के तर्ज पर बनी है बजाज एवेंजर बाइक, जो लॉन्ग राइड के लिए एक बेस्ट बाइक है। इसे आप रॉयल एनफील्ड की थंडरवर्ड 350 की जगह पर यूज कर सकते हैं। इसकी बनावट और आकार लगभग रॉयल एनफील्ड थंडरवर्ड जैसी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रॉयल एनफील्ड थंडरवर्ड के दीवाने हैं, तो आप उसके बदले में बजाज एवेंजर बाइक अगर राइड करते हैं, तो आपको फील एकदम थंडरबर्ड जैसा ही रहेगा। और ये है इसका रियर प्रोफाइल। यहाँ पर आपको एक टेल लाइट दी गई है, दोनों साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टोटल 2 कलर्स में आती है बजाज एवेंजर बाइक। ये आप रेड कलर देख रहे हैं, ये आप स्पाइसी रेड कलर देख रहे हैं। इवोनी ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिलेगा आपको बजाज एवेंजर बाइक में। ये आप ऑल न्यू बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट BS6 बाइक देख रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके बदलाव के बारे में। तो यहाँ पर आपको पहले जो कार्बोरेटर मिलता था, अब उसे चेंज करके इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दे दी गई है। वैसे FI की ब्रांडिंग यहाँ पर कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको कार्बोरेटर नहीं दिया गया है, इसके अंदर आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। ये है फ्रंट स्टील मैट गार्ड। और यहाँ पर आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, ये आपको नाइट के टाइम पर टर्निंग पॉइंट पर काम आएंगे। और वहीं इसके आगे की टायर साइज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 90/90/17/49 PR के टायर्स मिलते हैं। ये ट्यूबलेस टायर्स हैं। आगे आपको 280 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है। और यहाँ पर आपको 17 इंच के स्टील व्हील्स, एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये आप ब्लैक कलर के 17 इंच के एलॉय व्हील्स देख रहे हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं, तो आगे आपको टेलीस्कोपिक के साथ डबल एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे आपको लॉन्ग राइड और ऑफ रोडिंग में काफ़ी कंफर्ट मिल सके। आगे की तरफ आपको MRF कंपनी के टायर्स दिए गए हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ बात करें, तो यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये है इसके फ्रंट स्टाइलिश हेडलैम्प्स सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पर इसका शेप जो है थोड़ा सा राउंड से हटाकर चेंज कर दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। नीचे की तरफ आपको LED लाइट्स दी गई हैं इसी हेडलैम्प के अंदर। ये इसका साइड इंडिकेटर्स है। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको छोटा सा सनवाइजर मिलता है। और यहाँ साइड में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी चाबी से इसके हैंडल को लॉक कर सकते हैं। यहाँ साइड में आपको फ्यूल टैंक पर एवेंजर का बैचिंग दी गई है, ग्राफिक्स के साथ एवेंजर की बैचिंग दी गई है यहाँ पर। और इस बाइक के प्राइस की बात करते हैं, तो लगभग 1,03,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है बजाज एवेंजर बाइक की, जो लगभग ओल्ड बजाज एवेंजर बाइक से लगभग 10,000 रुपीज़ महंगी पड़ रही है। और यहाँ पर आपको 160 स्ट्रीट का स्टिकर दिया गया है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से BS6 लेकर आना बजाज के लिए भी मैंडेटरी था, इसलिए ये BS6 बाइक लॉन्च हुई है। और ये लगभग 10,000 रुपीज़ कॉस्टली पड़ेगी आपको पुराने वाले बजाज एवेंजर से। वहीं आपको इसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 160 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ DTSI इग्निशन और BS6 पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है। ये लगभग 15 BHP पावर जनरेट करता है, 13.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है। और ये 45 km/h का एवरेज देगी 13 लीटर के फ्यूल टैंक से। और यहाँ से आप बाइक की की इंसर्ट कर पाएंगे बाइक के अंदर, और इसे बाइक को यहाँ से ही स्टार्ट कर पाएंगे। और ये है इसकी चाबी, यानी कि चाबी काफ़ी सिंपल दी गई है। इसके पीछे आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है,
और यहाँ से आप इसके बैटरी बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप की से ही बैटरी बॉक्स को आप ओपन कर सकते हैं और यहीं पर ही आपको 160 स्ट्रीट मॉडल की बैच स्टिकर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आने के बाद इसका माइलेज पहले से 5 से 7 किलोमीटर बढ़ गया है और इसका जो इंजन है काफ़ी रिफाइन हो गया है। बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट एक लॉन्ग राइड बाइक है, इसे आप लॉन्ग राइड या ऑफ रोडिंग के लिए ले सकते हैं, ये एक बेस्ट बाइक है। और अब बात करते हैं इसके पिछले टायर की, तो यहाँ पर मिलते हैं आपको 160/30/90/15/66 PR के ट्यूबलेस टायर्स और यहाँ पर मिलते हैं आपको 15 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं तो पीछे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। वहीं आप देखेंगे एग्जॉस्ट पाइप पर आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, जैसे कि आपको हेडलैम्प पर भी सिल्वर फिनिश देखने को मिली थी। और यहाँ पीछे भी आपको MRF कंपनी के टायर्स मिलते हैं। कुल मिलाकर बजाज एवेंजर एक ऑफ रोडिंग लॉन्ग रूट बाइक है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे आप नीचे सीट की, तो यहाँ पर भी आपको दोनों साइड सिल्वर फिनिश दी गई है और कुछ ऐसी दिखती है इसकी सीट जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। लॉन्ग राइड और ऑफ रोडिंग के लिए एक बेस्ट बाइक है बजाज एवेंजर। काफ़ी अच्छी सीट की कुशनिंग है। जो इसके मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर मिलते हैं आपको सिंगल चैनल ABS, इंजन किल स्विच, गियर इंडिकेटर, फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर, फ्यूल गेज और पास लाइट। और ये है इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ एक फ्यूल गेज मीटर दिया गया है। यहाँ साइड में आपको न्यूटन और फ्यूल गेज दिखाएगा। और ये है इसका स्मार्ट 1-पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ नीचे की तरफ आपको एवेंजर का लोगो दिया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको स्पीड और टोटल किलोमीटर का पता चल जाएगा। नीचे आपको डिजिटल मीटर दिया गया है, इसके अंदर आपको स्पीड और टोटल किलोमीटर का पता चलता रहेगा। और ये है हैंडल पर एवेंजर का लोगो। BS6 एमिशन इंजन होने के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म मिलता है इससे और पॉल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। और यहाँ लेफ्ट हैंड पर आपको साइड इंडिकेटर्स और लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ हॉर्न का बटन भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको लाइट बीम एडजस्टर भी मिल जाता है, जैसे कि आप लो लाइट या हाई लाइट पे गाड़ी चलाने जाते हैं तो उस पर उसका भी ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ आपको पास लाइट के साथ ऑब्जेक्टिव रियर व्यू मिरर मिल जाता है। ये है आपका रियर व्यू मिरर। और यहाँ आपने राइट हैंड साइड पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको किल स्विच का बटन दिया गया है, इंजन स्टार्ट करने का बटन है। और यहाँ पर आपको ब्रेक के साथ रेसिंग के भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप ये किल स्विच करेंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। बजाज एवेंजर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। इसके अंदर सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आने के बाद इसके स्मूथनेस में काफ़ी बदलाव आ जाएगा और इसका वाइब्रेशन एकदम जीरो हो जाएगा लगभग लगभग। इससे आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिलेगा और अच्छी राइड मिल सकेगी आपको। और ये है आपका फ्यूल लिड, इसे आप की से ओपन करवाएंगे। चलिए आपको इसे ओपन करके दिखा देते हैं। और ये इस तरह से ओपन हो जाता है। और यहाँ ठीक ऊपर आपको सेकेंडरी मीटर पर FI वार्निंग लाइट्स दी गई हैं। जैसे आपको FI में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आपको पता चल जाएगा इससे। काफ़ी शानदार स्टाइलिश सीट की कुशनिंग दी गई है, अच्छे कंफर्टेबल सीट्स मिलती है आपको बजाज एवेंजर में। बात करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक टेल लाइट दी गई है, दोनों साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं और नीचे की तरफ एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। हेडलाइट में जो बदलाव आया है उसमें जैसे इग्निशन ऑन करने से BS4 में सिर्फ DRL ऑन होता था और इसके अंदर BS6 में आपको इग्निशन देने पर DRL ऑन नहीं होंगे, सिर्फ इंजन स्टार्ट करने पर ही आपके DRL ऑन होंगे इसके अंदर। आप मेन हेडलैम्प को चाहे तो बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी सेविंग होगी, जिससे आप बैटरी सेव करके लॉन्ग टाइम तक बैटरी चला सकते हैं। लाइट्स ऑन बंद करने के लिए अलग से एक स्विच भी मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर दिए गए हैं। एनालॉग में आपका RPM मीटर और डिजिटल में आपका स्पीड और टोटल किलोमीटर दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों साइड आपको फुटरेस्ट दिए गए हैं।
इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसमें आपको 2.2 मीटर की लेंथ मिलती है, 806 mm विथ है, लगभग 1 मीटर हाइट है और लगभग 1.4 मीटर व्हील बेस है, 169 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 737 mm सीट हाइट मिलेगी आपको बजाज एवेंजर की। ट्यूबलर डबल क्रेडल चेसी मिलती है आपको बजाज एवेंजर की। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेस कम होगा और आप एक बेहतर लॉन्ग राइड का लुत्फ उठा पाएंगे। 58 mm बोर और 60.7 mm स्टॉक के साथ आती है बजाज एवेंजर बाइक। इसके अंदर बेट मल्टीप्लेट क्लच और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ BS6 इंजन मिलता है। इसका फ्यूल टैंक फुल कराने पर आप लगभग 585 किलोमीटर की राइड डन कर सकते हैं एक बार में। तो कैसी लगी आपको बजाज एवेंजर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इससे बारे में अधिक